नमस्ते, मैं एकता विश्वास, बिहार शिक्षा परियोजना पूर्णिया के सौजन्य से आप लोगों के सामने एक TLM किट अव्यवस्थित वाक्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए जानते हैं हमारा TLM किट है क्या। तो ये अव्यवस्थित वाक्य का एक पैकेट है जिसमें अलग अलग कार्ड्स मिले हैं हमें। कार्ड्स में एक तरफ वाक्य अव्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ से उसे व्यवस्थित रूप में दिखाया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य क्या है? अलग अलग शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे स्पष्ट अर्थ निकल कर आता हो उसे ही वाक्य कहते हैं। जैसे मैं एक लड़की हूँ, तो यहाँ मैं एक लड़की हूँ। सभी शब्द अपने व्यवस्थित क्रम में है जिससे इसका एक सही अर्थ निकलकर सामने आता है जो इसे एक पूर्ण वाक्य बनाता है। परंतु अगर इसे मैं अव्यवस्थित कर दूँ, लड़की मैं हूँ एक, तो क्या इससे कोई अर्थ निकलकर आता है? क्या ये वाक्य व्यवस्थित रूप से शब्दों को रखा हुआ है अपने साथ? नहीं। तो क्या इससे कोई अर्थ स्पष्ट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही हमारा खेल है, अव्यवस्थित वाक्य। मतलब जो वाक्य अव्यवस्थित है उससे बच्चों के द्वारा कैसे व्यवस्थित करवाएंगे, हम शिक्षक उसे कैसे बच्चों के सामने बताएंगे, इसको इस किट के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस किट में देखते हैं है क्या। तो सबसे पहले मैंने जो कार्ड उठाया है उसमें हमारे बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार, हमारे छठ पर्व की बातें हैं। छठ पर्व जो हमारे बिहार का एक गरिमा है, एक प्रतिष्ठा है, हमारी संस्कृति है। तो चलिए देखते हैं, जब शुरू ही इतना अच्छा है तो ये आगे और अच्छा होगा। तो देखिए, जैसे कि इस कार्ड में दिया हुआ है, सूर्य, दिया, छठ, पूजा, अर्घ के दिन जाता को देव है। तो क्या ये सही अर्थ दे रहा है? सूर्य, दिया, छठ, पूजा, अर्घ्य के दिन जाता को देव है? नहीं। तो इसको हम लोग वाक्य, सही वाक्य जो कि एक अर्थ के साथ हो, वो कैसे करेंगे? देखिए, हमारे दूसरे कार्ड में दूसरी तरफ ये सही तरीके से भी दिया हुआ है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इससे हम लोग को, बच्चों को अगर हम एक ये कार्ड दे देते हैं और उनको बोलेंगे कि आप पहले तो अव्यवस्थित वाक्य पढ़िए, जैसे वो पढ़ेंगे, तुम गए थे कहाँ चले, तुम गए थे कहाँ चले, तो इसको हम बच्चों से बोलेंगे कि क्या ये वाक्य पूर्ण है, क्या इससे कोई अर्थ समझ में आ रहा है? तो बच्चे सोचेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं, अर्थ सही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम बच्चों को बोल सकते हैं, चलो आप अपने अनुसार इसे कैसे सही कर सकते हो, क्या वाक्य बन के आएगा, आप बताओ। तो बच्चे सोचेंगे और सोचेंगे, तुम गए थे कहाँ चले, तो सोचते सोचते वो बोलेंगे, तुम कहाँ चले गए थे। तो इधर जो है हमारा लिखा हुआ है, तुम कहाँ चले गए थे, तो ये व्यवस्थित वाक्य हो गया। इसी में हमारा दूसरा चार्ट जो है, दिल्ली है भारत की राजधानी। तो हम लोग जानते हैं हम लोग किस देश में रहते हैं, भारत में। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो क्या ये हमारा वाक्य व्यवस्थित है? नहीं है। दिल्ली है भारत की राजधानी, ऐसा सही लग रहा है क्या? नहीं। अगर इसी को हम सही क्रम में शब्दों को सजाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले भारत, फिर की, भारत की, फिर राजधानी, भारत की राजधानी, फिर दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो हमारा व्यवस्थित वाक्य निकल के आएगा, भारत की राजधानी दिल्ली है। और दूसरी तरफ ये सही क्रम में लिखा हुआ भी है, भारत की राजधानी दिल्ली है। आगे ऐसे ही अगर एक और चार्ट हम लोग देखें, ये आप चित्र देख सकते हैं, क्या चीज़ का चित्र है? ये एक पशु है जो हम लोग जिसे माता कहते हैं, ये पूजनीय है हमारे लिए। ये एक गाय का चित्र है,
गाय से हमें दूध मिलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हमें इससे अपना स्वास्थ्य को बनाना और मजबूती दोनों प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं हम इसको वाक्य में कैसे सही कर सकते हैं। आज गाय ने हमारी दूध दिया है, क्या ये सही है? आज गाय ने हमारी दूध दिया है, नहीं, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो ये वाक्य सही नहीं है। लेकिन अगर इसको हम व्यवस्थित करेंगे, जैसे आज हमारी गाय ने दूध दिया है, आज हमारी गाय ने दूध दिया है, तो देखिए चार्ट में दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, आज हमारी गाय ने दूध दिया है, तो इससे अर्थ भी स्पष्ट होकर आता है और ये व्यवस्थित वाक्य है। तो ऐसे बच्चे आप लोगों को ये करने में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही रोचक तरीके से आप अलग अलग वाक्य को बना पाइएगा, उसको शब्दों को व्यवस्थित रूप से सजाइएगा, जिससे आपका वाक्य पूर्ण होगा और एक अर्थ को प्रकट करेगा। आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिससे आप वाक्य को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।